अपना सी क्लास का इंटीरियर, ये सेंटर कंसोल, एंड ये सेंटर कंसोल में एंड सारी जितने भी ये डोर पैनल में पीछे जितने भी वुड है, दिस इज अ रियल वुड जो कि वॉलनट ट्री से है, सो दिस इज अ नेचुरल वुड। बीच में हमें मिल जाते हैं 3 AC ब्लोअर्स, एंड फोर्थ वन इज द फिफ्थ वन इन द ड्राइवर साइड। एंड इसको ऑपरेट करने के लिए मतलब 2 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब को ड्राइवर साइड अपना यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकता है, एंड जो ड्राइवर साइड है वो अपना यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकता है। एंड दिस इज़ फॉर AC ऑन ऑफ, एंड दिस इज़ फॉर फ्रेश एयर। एंड अगर हम जैसे ड्राइवर साइड वाला जैसे 20 कर दिया मैंने, एंड यू प्रेस दिस बटन तो दोनों इक्वल हो गए 20 20। एंड दिस इज़ फॉर रियर डिफॉगर, एंड दिस इज़ फॉर फ्रंट डिफॉगर, एंड दिस इज़ फॉर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एंड दिस इज़ फॉर फैन स्पीड, एंड दिस इज़ फॉर मोड टू चेंज द मोड्स। तो ये वाली स्क्रीन जो है ये टच तो नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक टच पैड भी मिलता है इसको कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर एक हमें जॉयस्टिक टाइप भी मिलती है जो कि रोटेटरी भी है, एंड इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो फॉर अप डाउन एंड फॉर राइट साइड एंड फॉर लेफ्ट साइड, एंड ये टच भी है ऑब्वियसली। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फीचर हैं इसमें। अगर मर्सिडीज़ ने आपको टच नहीं दिया वो मतलब आपको बार बार यहाँ पे हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको टच पैड मिल जाता है, एंड पूरी जॉयस्टिक भी है, एंड रोटेटरी नोब की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। एंड इफ़ यू प्रेस मेन्यू तो मेन्यू में भी हमारा सारा AC कंट्रोल आ जाता है जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ बटन से दबाना है, यहाँ पे टच भी हो सकता है सब कुछ। एंड दिस इज़ फॉर वॉल्यूम, एंड ये हो गया अपनी स्क्रीन ऑफ के लिए, एंड दिस इज़ फॉर टू रिक्लाइन रियर ब्लाइंड, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी करके। सो इफ यू प्रेस दिस बटन एंड आपकी रियर ब्लाइंड है जो वो रिक्लाइन हो जाएगी पूरी लाइक दिस, एंड अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वो पूरी ऊपर आ जाएगी। एंड दिस इज फोर मोड सिलेक्ट, तो मर्सिडीज सी क्लास में अपने 5 मोड्स आते हैं जो ड्राइविंग मोड्स हैं। तो फर्स्ट इज इको, एंड देन इट्स कंफर्ट, देन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हम मैनुअल ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस पैडल शिफ्टर, दिस इज फॉर माइनस एंड दिस इज फॉर प्लस, एंड वापस हम इको पर कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर है ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड सेंटर में हमें एक मर्सिडीज की सिग्नेचर वॉच मिल जाती है जो कि एनालॉग वॉच है, एंड सब कार्स में यही आती है, एंड ये रात को बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है, इसमें भी लाइट जलती है रात को। एंड दिस इज फॉर मीडिया ऑब्वियसली फॉर ब्लूटूथ, एंड दिस इज फॉर रेडियो, दिस इज फॉर नेविगेशन, एंड दिस इज अ CD होल्डर, एंड दिस इज फॉर टेलीफोन, एंड दिस इफ यू प्रेस दिस आवर कार कम्स हियर, एंड दिस इज फॉर पार्किंग इंडिकेटर्स। तो ये सब कुछ मतलब मेन तो यही है इसका, अगर हम इसे प्रेस करते हैं व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं। तो व्हीकल सेटिंग्स में सबसे पहले तो अपने मोड सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग मोड्स है वो यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाते हैं जो मैंने दिखाया आपको करके, एंड यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज अ कंसप्शन, दिस इज अ एवरेज चार्ट, मतलब मर्सिडीज आपको पूरी एवरेज भी दिखाती है। तो अभी तो मैंने इतनी चलाई नहीं, बस मैं घर से नहीं लेकर आया हूँ तो अभी पूरा ग्राफ नहीं आया। सो इंडिया में ना भाई एक मिथ बना हुआ है अपने इंपोर्टेड कार्स को लेकर कि जो ये मर्सिडीज BMW वगैरह होती है इनकी एवरेज बहुत कम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वो अपने चलाने पे ही डिपेंड करता है, एंड जैसे आप ज़्यादा पंजा दबाओगे तो एवरेज कम देगी, ऑब्वियस है वो तो हर गाड़ी के साथ ही है। जैसे वो हमारे पास इनोवा क्रिस्टा भी है तो वो है 2.8 डीजल, अगर हम उसके साथ अपनी मर्क को कंपेयर करें तो इसकी हमें एवरेज ज़्यादा लगती है हाईवे पर, एंड उसकी कम लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंपोर्टेड कार ज़्यादा कम एवरेज देती है ज़्यादा देती है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने चलाने पर डिपेंड करता है। एंड कंसेप्शन के बाद भाई जाते हैं हम ओनर्स मैनुअल में। ओनर्स मैनुअल तो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस है, हमें पता ही है सब गाड़ी के बारे में। एंड जो ये टाइम है, टाइम इसका एनालॉग क्लॉक का, एंड यहाँ पर भी हमारे हमें टाइम दिखाई दे रहा है, एंड उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद है व्हीकल सेटिंग्स, अगर हम व्हीकल सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर है लॉक फीडबैक, मतलब ये है कि अगर हम बाहर मतलब गाड़ी से एग्जिट होते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो या ना हो, ये आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर बेल्ट एडजस्टमेंट है,
बेल्ट एडजस्टमेंट बहुत ही एक यूजफुल थिंग है, मतलब यूजुअल। तो बेल्ट एडजस्टमेंट एक बार मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे हम बेल्ट लगाते हैं ना यूजुअली कार्स में, तो अगर हम जैसे ये बंद होगी एंड उसके बाद भाई हमें टाइट करनी पड़ती है, एंड ये देखो ये पूरी अपने आप खींच लेती है मर्सिडीज। तो ये भी आप ऑन भी कर सकते हो एंड ये ऑफ भी कर सकते हो, जो बहुत प्यारा फीचर। एंड बेल्ट एडजस्टमेंट के बाद आया था भाई अपना मिरर फोल्डिंग फंक्शन, मतलब ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो कि जैसे लॉक होने के बाद जो अपने साइड व्यू मिरर्स हैं वो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये भी आपकी मर्जी है, आपने ऑन करना है ऑफ करना है, मतलब फोल्ड होने चाहिए। एंड उसके बाद आ जाता है भाई अपना लोकेटर इल्यूमिनेशन। इसमें क्या है ना, जैसे आप गाड़ी अनलॉक करते हो तो आगे की जो DRLs हैं एंड साइड व्यू मिरर्स के नीचे इसकी लाइट एंड पीछे की जो बैक लाइट है वो जल पड़ती है, ताकि आप मतलब ऑब्वियसली पार्किंग लॉट में खड़े हो तो आप रात को अपनी गाड़ी लोकेट कर पाओ। तो उसके लिए भी वो भी आप लाइट्स ऑन भी कर सकते हो एंड ऑफ भी कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक लॉकिंग फीचर आया था उसके बाद, ये भी आप आपकी मर्जी है, मतलब आप जैसे गाड़ी से एग्जिट होते हो तो लॉक करना, मतलब ऑटो लॉक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। एंड ये भी आप चाहते हो कि जो इंटीरियर लाइट्स हैं, जो ये सारी होती है रीडिंग लाइट्स वगैरह, ये शट ऑफ कितने सेकंड में हो। जैसे हमने यहाँ पर सेट कर रखा है 15 seconds, एंड आप लोग इसका टाइम बढ़ा भी सकते हो। सो उसके बाद आया था भाई अपना इंटीरियर लाइट डिलेड शट ऑफ। तो उसमें क्या है, जो अपनी ये सारी लाइट्स हैं ये रीडिंग लाइट्स भी होगी, तो ये लॉक करने के बाद भाई कितने टाइम तक जले, जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है 15 seconds, एंड यहाँ पर आप टाइम बढ़ा भी सकते हो 30 seconds, 45। तो ये अपने ऊपर ही है, हम जैसे 15 ही रहने देते हैं। सो उसके बाद आया था भाई एक्सटीरियर लाइट, जो इंटीरियर में अभी वो भी एक्सटीरियर में भी है, उसका भी आप टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो ऑल्दो मर्सिडीज अपना नेविगेशन सिस्टम मतलब इंडिया में प्रोवाइड नहीं करती OEM, तो उसके लिए अगर हम यहाँ आर्मरेस्ट में देखें ना, तो नीचे हमें एक स्लॉट मिलता है SD कार्ड का, तो यहाँ पर आपको नेविगेशन कार्ड डालना पड़ता है एंड तब जाके आपको प्रोवाइड होता है नेविगेशन सिस्टम। सो मैं आपको आर्मरेस्ट खोल के दिखाता हूँ इसके, एंड यहाँ पर भाई हमें मिल जाते हैं 2 USB कार्ड के स्लॉट, एंड अभी SD कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है अपना कार्ड होल्डर के लिए एक बेल्ट, एंड अच्छी खासी इनफ स्पेस है अपने इसमें आमरेश में। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाएँ तो यहीं से अपना जो मतलब इंडियन कार्स में क्या होता है ना, यहाँ से अपने वाइपर कंट्रोल होते हैं एंड यहाँ से अपने जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह, डिपर वगैरह, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। बट मर्सिडीज़ में ओबियसली जर्मन कार्स में उल्टा होता है, बट मर्सिडीज़ में थोड़ा ये डिफरेंट है। मर्सिडीज़ में वाइपर तो कंट्रोल होता ही है यहीं से, वाइपर तो ओबियसली रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं। अगर हमें इंडिकेटर वगैरह भी देना ना तो हमें यहीं से देना पड़ेगा, एंड डिपर के लिए भी यहीं से। एंड यहाँ पर भाई हैंड सेफ्टी है इसके गियर, मतलब अगर हम यहाँ से अभी जैसे मेरी पी पे है, अगर हम डी पे डालें तो यहाँ पे डी है, एंड ये हो गया आपका एन, दिस इज़ फॉर रिवर्स। एंड अगर अपने पी पे डालने हैं पार्किंग पे, सो ये उसके लिए है। एंड यहाँ पर हमें आ रहा है भाई साइन हैंड ब्रेक का, ऑब्वियसली यहाँ पर हैंड ब्रेक तो हमें दिख नहीं रही, तो हैंड ब्रेक है भाई इसकी यहाँ पर। अगर हम ऐसे करेंगे तो हैंड ब्रेक हट जाएगी, अगर हमें वापस से हैंड ब्रेक लगानी है तो ऐसे हो जाएगी। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब हमें हैंड ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार बटन छेड़ने की। अगर आप जैसे डी पर डालकर, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप जैसे हमने डी पर डाली एंड डी पर डाल के मैं सीधा रेस देता हूँ, ये अपने आप सेंस कर लेते गाड़ी हैंड ब्रेक अपने बढ़ गई, वापस से डाल देते भाई पी पर। एंड यहाँ पर आपके पैडल शिफ्टर्स हो गए, एंड यहाँ पर अगर हम जाएं होम पर, सो दिस फॉर योर ट्रिप, ऑब्वियसली ये अपना स्पीडोमीटर आ जाएगा यहाँ पर डिजिटल, एंड दिस फॉर नेविगेशन एंड रेडियो मीडिया टेलीफोन असिस्टेंट। ग्राफिक में क्या है ना, अगर हम खोलें तो ये देखो पूरा मतलब मर्सिडीज का बोनट आता है बना हुआ। अनफॉर्चुनेटली अपने वाली में ये स्टैंडिंग लोगो नहीं है, बिकॉज अपने ग्रिल पर ये बड़ा लोगो। सो अगर हम बैक करें, यहाँ पर सर्विस के बारे में सब कुछ बताता है एंड सेटिंग की, आपकी सर्विस कब कब ड्यू है। एंड सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो ये हो गया असिस्टेंस, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है कि आपको मतलब किलोमीटर में चाहिए या माइल्स में चाहिए। एंड ये जो अपने भाई इको स्टार्ट स्टॉप का बटन है, उसकी भी यहाँ पर पूरा डिस्प्ले चार्ट बनाता है, जो कि आपको मतलब टायर जब स्पिन होंगे ओबियसली एंड जब आप ब्रेक दबाओगे उन दोनों का बैलेंस जब बनेगा, तब यहाँ पर ये जो अपना इको वाला बटन आ रहा है
एंड ये ग्रीन हो जाएगा तब जाके ये चार्ज होगा, तो हमारी चलती नहीं है ज़्यादा। एंड यहाँ पर हमें स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए भाई ये अपना फ़ोन कट और पिक के लिए मिल जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए मिल जाता है, एंड ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर होम पर जाएंगे तो अपना यही आ जाएगा वापस से, ट्रिप कर देते हैं इसे। एंड ये अब जितनी भी भाई ये लेदर देख रहे हो ये सारी सॉफ्ट टच है, ये सारी डोर पैनल्स पर भी आगे भी पीछे भी सारी सॉफ्ट टच है, मतलब कहीं पर भी मर्सिडीज ने हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं किया। एंड जो इसका ये रियर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग है, मतलब अगर आपको ऑब्वियसली पीछे से जब लाइट पड़ेगी तो ये भी पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एंड ये वाला साइड मिरर भी ब्लैकआउट हो जाएगा, एंड वो वाला साइड मिरर भी पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब कहीं भी आपकी आंखों पर लाइट नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर हमें मिल जाते हैं भाई सारे इंटीरियर लाइट्स के कंट्रोल, ये हो गया फॉर आर रीडिंग लाइट, एंड रीडिंग लाइट देखो भाई मर्सिडीज़ ने अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल भी आँखों में नहीं पड़ेगी, मतलब आप लोग ढूंढते रहेंगे भाई लाइट जल कहाँ से गई है, इंटीरियर पे लाइट पड़ रही है। तो सो ये सारे अपने लाइट कंट्रोल्स हो गए, दिस इज़ फॉर सनग्लास होल्डर एंड दिस इज़ फॉर सनरूफ। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ना हमें छोटे छोटे यहाँ पर लेंस मिल जाते हैं, टाइप ऑफ अ प्रोजेक्टर, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, एंड ये सिर्फ मर्सिडीज़ ने मतलब इतना ध्यान रखा है कि इंटीरियर पर मतलब पूरी लाइट पड़नी चाहिए, एंड रात को मतलब कुछ और ही होता है, मतलब पूरा इंटीरियर चेंज होता है, बहुत प्यारी लाइट है इसकी। मतलब देखो इसका कोई यूज़ नहीं था अलग ही, बट फिर भी मर्सिडीज़ ने प्रोवाइड की है लाइट। सो ये जो अपने सीट्स के कंट्रोल हैं, एंड इसके साइड में भी अगर आप देखोगे येलोइश एम्बिएंट लाइट जल रही है पूरी, एंड रात को यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट जलती है एज यू कैन सी, एंड पूरा लेग रूम में भी एम्बिएंट लाइट जलती है आगे भी एंड पीछे भी। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज 2016 मॉडल, एंड इस वाले मॉडल में सिर्फ सिंगल कलर एम्बिएंट लाइट आती थी, बट जो इंडियन मार्केट में सी क्लास का 2018 वेरिएंट लॉन्च हुआ था उसमें मर्सिडीज़ की तरफ से 64 कलर एम्बिएंट लाइट आती थी। एंड आप लोग मैनुअल अपना स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी एंड ऐसे अंदर बार भी, बट मैं तो पूरी नीचे करके चलाता हूँ, वो भी कर देते हैं हम इसे लॉक। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है भाई क्रूज कंट्रोल के लिए नोब, आप 30 की स्पीड से ऊपर जाओगे एंड ये प्रेस करोगे तो वो 30 पर ही चल रहेगी, जितने भी आप स्पीड कर सकते हो, एंड यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हो। एंड अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ से ओपन हो जाता है, एंड यहाँ पर भी हमें दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर सिगरेट लाइटर, एंड यहाँ पर हमें मिल जाती है एक छोटी सी एस्ट्रे। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है वैनिटी विद द कार्ड होल्डर, एंड दोनों साइड पर ही सेम है। एंड जैसे अगर हम रेड लाइट पर खड़े हैं, मैं डीपर डाल के दिखाता हूँ, अगर हम ब्रेक को एक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक होल्ड लिखा आ जाता है, आप लोग ध्यान से देखो, एंड अगर मैं ब्रेक से पैर हटा देता हूँ तो ये देखो डीपर गाड़ी है बट आगे नहीं जा रही गाड़ी, एंड हल्का सा मैं स्लाइडली रेस पर पैर रखता हूँ ना तो ये देखो ये आगे जाने लगी, मतलब आपको बार बार पी पे डालने की जरूरत नहीं है। सो इसमें हमें मिलते हैं 7 एयरबैग्स जो कि आप कह सकते हो कि मर्क ने फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। सो ये है इसके हेडलाइट कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे अगर करोगे तो ऑटो, एंड यहाँ पर आपकी लाइट जल जाएंगी, यहाँ पर DRLs। सो ये वाला फीचर बहुत ही यूजफुल है, मतलब आप कह सकते हो कि बैटरी सेवर है, मतलब जैसे अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर खड़ी है एंड अगर आपकी राइट वाली साइड बाहर को है तो आप ऐसे कर सकते हो, एंड अगर आपकी लेफ्ट वाली साइड बाहर को है तो आप ऐसे कर सकते हो, तो मतलब एक ही साइड की आपकी लाइट्स जलेंगी, दोनों लाइट्स नहीं जलेंगी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें रियर फोक लैंप मिल जाता है जो कि जर्मन गाड़ियों में सिर्फ एक ही साइड मिलता है, एंड ये अपनी डिस्प्ले जितनी भी मतलब पूरी इंटीरियर लाइट्स है उसकी ब्राइटनेस के लिए होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है, दो ट्यूटर्स आगे एंड बीच में है सेंटर स्पीकर, एंड टोटल 9 स्पीकर हमें प्रोवाइड होते हैं इस गाड़ी में। एंड अब हम आ चुके हैं भाई को ड्राइवर सीट पर, एंड यहाँ पर हमें मिलता है एक डैशबोर्ड जो कि डिसेंट अमाउंट स्पेस के साथ मिलता है, एंड यहाँ पर एक लाइट भी है जो अभी नहीं दिख रही होगी। एंड यहाँ की अगर हम वैनिटी की बात करें तो सेम है, मतलब मर्सिडीज़ ने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो यहाँ पर मर्सिडीज़ एक और फीचर प्रोवाइड करती है, जैसे हमारी कार की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो पुश बटन से नहीं स्टार्ट होती, तो यू कैन ईजली रिमूव योर बटन लाइक दिस, एंड यू कैन मैनुअली इंसर्ट योर की इन दिस, एंड यू कैन स्टार्ट योर इंजन।
So it's enough for today's vlog. Hope you like the features of my Mercedes, and make sure you should subscribe my channel and stay tuned for next vlog.